सभी का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता शहीद भगत अमरनाथ की शहादत को समर्पित है, जिन्हें जम्मू कश्मीर का अम्बेडकर भी कहा जाता है। भारत की आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ तो भारत के हर राज्य में रिजर्वेशन का प्रावधान था और उसे लागू किया गया जिससे लोगों को फायदा पहुंच सके। लेकिन जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसी स्टेट थी जहां पर रिजर्वेशन लागू नहीं हुई, क्योंकि यह उस वक्त स्पेशल स्टेट थी और आर्टिकल 370 इफेक्ट में था। संविधान लागू होने के 20 साल बाद तक, यानी कि 1970 तक, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ का फायदा नहीं मिल पाया और इस हो रहे अन्याय के विरुद्ध भगत अमरनाथ ने एक आंदोलन किए, लड़ाइयाँ लड़ी, पर उनकी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अंत में हार कर उन्होंने जम्मू सचिवालय के सामने करण पार्क में आमरण अनशन और मौन व्रत धारण किया और तारीख थी 21 मई 1970। गर्मियों के दिन थे, भूखे प्यासे और चुप रहकर, मतलब मौन व्रत था उनका। 10 दिन तक वो इस अवस्था में रहे और 11वें दिन, मतलब 1 जून 1970 में उन्होंने शहादत दी। और उनकी शहादत के बाद सरकार अपनी नींद से जागी और तुरंत ही जम्मू कश्मीर में रिजर्वेशन की व्यवस्था को लागू किया गया। पर विडंबना की बात ये है कि जिन लोगों के लिए ये व्यवस्था की गई, वो समाज के लोग, चाहे वो SC थे, ST थे, वंचित वर्ग था, वो लोग आज भगत अमरनाथ का नाम तक नहीं जानते हैं। तो हम लोग सुचेतगढ़ में गांव-गांव में जाकर उनकी शहादत के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और ये मीटिंग्स 10 दिन तक चलेंगी, आज से लेके, मतलब 21 मई से लेके 30 मई तक, और 11वें दिन यानी कि 1 जून को, जिस दिन उनका शहीदी दिवस है, उस दिन उनको याद किया जाएगा और दबलैड गांव में ठंडे और मीठे जल की छबील लगाई जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान लागू होने के 20 साल बाद तक, यानी कि 1970 तक, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस चीज़ का फायदा नहीं मिल पाई थी। अंत में हार कर उन्होंने जम्मू सचिवालय के सामने करण पार्क में आमरण अनशन और मौन व्रत धारण, चुप रहकर, मतलब मौन व्रत था उनका, 10 दिन तक वो इस अवस्था में रहे और 11वें दिन 1 जून 1970 में उन्होंने शहादत दी और उनकी